नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया दीवानी है और यही दीवानगी एक गोरी मेम को भारत खींच लाई, वो भी सात जन्मों के रिश्ते में बांधकर, यानी कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में। जी हाँ, यूपी के बागपत जिले का रहने वाला एक देशी छोरा इंडोनेशिया से विदेशी दुल्हन लेकर घर पहुंचा है। यहाँ उसकी विदेशी दुल्हनिया तो बेहद खुश है ही, साथ ही बागपत का ये परिवार भी गोरी मेम को अपनी बहू बनाकर बेहद खुश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये देशी छोरा बागपत जनपद के छोटे से गांव वसी का रहने वाला गौतम नेन है, जो पेशे से एक एक्टर और मॉडल है और कुमकुम भाग्य जैसे कई सीरियल और वेब सीरीज में काम कर चुका है। वही विदेशी दुल्हन है जिसका नाम है सोफी। गौतम के मुताबिक सोफी और उसकी मुलाकात 5 साल पहले इंडोनेशिया में हुई थी, जब वो शूटिंग के सिलसिले में गए हुए थे और दोनों की ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई और कब शादी तक आ गई पता नहीं चला। गौतम की माने तो उनकी शादी से उनके परिवार को भी कोई एतराज नहीं है और उन्होंने उसे कबूल कर लिया है। और मिले तो हम इंडोनेशिया में थे, मैं वहाँ शूटिंग करने गया था तो वहाँ पे मुलाकात हुई। किस किस सीरियल में आप काम करते हैं? कुमकुम भाग्य, चंदन अन्नी वारिस, अभी मूव वेब सीरीज आई है श्रीकांत बशीर के नाम से और अभी बहुत सारी वेब सीरीज आने वाली है नेक्स्ट। आपने शादी की, आपने आपके परिवार ने जी तो कोई विरोध किया या ना? कैसे, आपने कैसे किया? नहीं, लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी थी तो पापा ने उसी दिन बोल दिया था कि कर ले अभी पैसे बच जाएंगे, तो उस टाइम पे ही हो गया था कि फैमिली ने कोई वैसा नहीं मना वना नहीं किया, फैमिली के उससे ही हुआ शायद। वही विदेशी दुल्हन सोफी के मुताबिक उसे हिंदुस्तान की संस्कृति बेहद पसंद आई है और इस बात का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय परिधान साड़ी में सोफी बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। जहां हिंदू रीति रिवाज से देवी की पूजा कर रही हैं, तो वहीं भारतीय दुल्हन की तरह सजी सवरी हुई है। Yeah, I love Indian culture so much because it's a very familiar in Indonesia because our grand pioneer also follow this Indian culture. Very near to our culture also. It's a Hindu belief, Hindu things that we learn also very close in a family and also Indonesian. That's why Indian culture in Indonesia very well known. So I would like to learn more about the Indian culture because it's a very complicated, not the same with Indonesian culture. Indonesian culture is just a small, just the belief, but here so many things that I have to learn. So just enjoy it. वहीं गौतम नैन के परिवार वाले भी इस विदेशी दुल्हन को पाकर बेहद खुश हैं और उनकी खुशी का ठिकाना इस बात से लगाया जा सकता है कि बेटे की शादी की खुशी में पकवान बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा कल्चर है, देहात का रहने वाले हैं, तो इसी प्रकार से जो है ये भी कुछ समय लगेगा लेकिन मैरिज हो जाएगी। इसको 5 साल करीब हो गए यहाँ पे बम्बई में और वहाँ पे जो सीरियल वगैरह में काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। गांव से निकल कर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर बम्बई गए हैं, इस प्रकार से तो एक बड़ी खुशी होती है। एक बच्चा जो है अपना सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर गाँव और फिर अपने बाबा दादा, इस प्रकार से पिताजी, उनका नाम आता है तो गांव वालों को भी एक मतलब एक वो होता है, बड़ा गर्व होता है कि भाई हमारे गांव के इस प्रकार से एक वहां पे पहुंचे हैं बच्चे और वहां पे इस तरह से गांव का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इस तरह से तो एक बड़ा गर्व होता है माँ बाप को भी। हम यही कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है जी हमको विदेश से बहू आई है, हमारे बेटे ने बहुत बड़ा नाम किया है, हमें बहुत गर्व है अपने बहू बेटे पर और हम इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर रखेंगे बहुत अच्छे से। इस फैमिली से बहुत प्यार मिलेगा, किसी चीज की कोई भी कभी कमी महसूस नहीं करेगी और हर कोई है इस दंपति के साथ यादगार लम्हे की तस्वीरें कैद करने में जुटा हुआ है, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा या फिर जवान क्यों ना हो। फिलहाल ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बागपत से आशीष त्यागी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।